Hello everyone, how are you all? Once again, I welcome you all to the Positron Maths Academy. I am Kaushik, your maths mentor, and today we are going to do classification of functions. Under this classification, there are majorly two categories of functions. That is, first is one-one function, which is also called as the injective mapping. This is basically kind of mapping. Okay, and the functions which are not one-one are called as the many-one function. The other one is onto और सब्जेक्टिव मैपिंग और फंक्शन जो ऑन टू नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं इनटू फंक्शंस। फाइनली इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यानी कि वो फंक्शन जो बोथ वन वन एंड ऑन टू है उनको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। बाइजेक्टिव फंक्शन होना थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी भी बेस पर हम एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल व्हेन इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू और इट इज बाइजेक्टिव। और थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसी पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन आता है, दैट इज बोर्ड एग्जाम में जो चार या छह नंबर में आई थिंक 5 मार्क्स क्वेश्चन है, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस विद द फर्स्ट फंक्शन विच इज कॉल्ड एज द वन वन फंक्शन। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। और हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन में जो फंक्शन है दैट इज वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, सो अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू वाई इज सेट टू बी वन वन। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है आई थिंक काफी कुछ। इज सेट टू बी वन वन इफ फॉर एवरी एक्स वन बिलोंगिंग्स टू एक्स देर एग्जिस्ट अ डिफरेंट वाई वन बिलोंगिंग्स टू वाई। ठीक है, सो बेसिकली एक्स का हर एक एलिमेंट वाई के एक डिफरेंट एलिमेंट से मैप करना चाहिए। यूनिक से तो होता ही है, वो तो फंक्शन की डेफिनेशन है, बट इस केस में स्पेसिफिकली हर एक एक्स के लिए मेरे को एक डिफरेंट वाई मिलना चाहिए इस सेट वाई में। ठीक है, सो यहां पे मैं मैपिंग बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि लेट्स से दिस इज सेट एक्स, दिस इज सेट वाई। यहां पे मेरे पास है एक्स वाई जेड, या फिर आप कह लो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड हियर आई हैव वाई वन वाई टू वाई थ्री। ये आपका इससे मैप कर रहा है, ये इससे मैप कर रहा है और ये आपका इससे मैप कर रहा है। आप देख सकते हो कि हर एक एक डिफरेंट वाई से मैप कर रहा है। सो दिस इज अ वन टू वन मैपिंग, दिस इज अ वन टू वन मैपिंग। ऑन द अदर हैंड अगर मैं दूसरी मैपिंग कंसीडर कर रहा हूं यहां पे, दिस इज एक्स दिस इज वाई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, यहां पर मैं कंसीडर कर रहा हूं वाई वन वाई टू वाई थ्री। नेक्स्ट आपका एक्स वन भी इसको मैप कर रहा है और ये भी कर रहा है और ये आपका इसको मैप कर रहा है। ठीक है, अब इस केस में क्या है, एक्स वन और एक्स टू दोनों वाई वन को मैप कर रहे हैं। फंक्शन तो ये हो सकता है, दो इनपुट के लिए मेरे को सेम आउटपुट मिल सकती है, इनके रिस्पेक्ट में ये यूनिक है, बट क्योंकि डिफरेंट नहीं है तो ये आपकी वन टू वन मैपिंग नहीं है। ऐसी मैपिंग को हम बोलते हैं मेनी वन मैपिंग। कौन सी मैपिंग? मेनी वन मैपिंग और नॉट वन वन मैपिंग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली इज वन वन और मेनी वन फंक्शन। अब मैपिंग तो नहीं आती आपको, जनरली क्या है फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी होती है और फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है तो कैसे पता करना है कि फंक्शन वन वन है या नहीं है तो वो देखते हैं आप जल्दी से। ठीक है, मेरे पास यहां पे तीन मेथड्स है बेसिकली, तो हम चेक करने जा रहे हैं कि हाउ टू चेक वन वन बिहेवियर और कि वेदर फंक्शन इज वन वन और नॉट। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड हमारा यहां पे है, दिस इज द वेरी बेसिक एंड एल्जेब्रिकल मेथड। व्हाट सेज, लेट मैं अज्यूम कर लेता हूं ये बेसिकली एक कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है। ठीक है, कि लेट से एक्स वन एंड एक्स टू आर टू डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेट एक्स
and their corresponding f of x1 and f of x2 जो इनकी इमेजेस हैं वो किसी सेट y में है, ऑब्वियसली y में होंगी. सो अब मैं ये स्टार्ट करता हूं कि ये मान के एक कंडीशन मान लेता हूं कि लेट्स से कि फंक्शन 1 1 आपका नहीं है, मतलब कि दो डिफरेंट इनपुट के लिए मेरे को सेम आउटपुट मिल रही है, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2. मैं यहां पे क्वाड्रेटिक करने वाला हूं और यहां से इस कंडीशन को जब मैं आगे फॉरवर्ड करता हूं तो फाइनली मेरे को ये मिल जाता है कि x1 इक्वल्स टू x2. ओके, इतनी कंडीशन सफिशियंट है कि अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल करता हूं और x1 इक्वल्स टू x2 मिलता है, दैट मींस कि ये तभी पॉसिबल है जब x1 इक्वल्स टू x2 है. और या फिर ये कह लो कि दोनों डिफरेंट के लिए मैंने जब सेम आउटपुट करनी चाहिए तो मुझे मैं डिफरेंट कर नहीं पाया, वापस मैं दोनों को इनपुट को सेम करने पे मजबूर हो गया, तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है काइंड ऑफ. ठीक है, सो दिस विल मेक श्योर दैट फंक्शन इज 1 1 एंड नॉट मेनी 1. सो ये बेसिकली जो मेथड है ये बोर्ड के जो क्वेश्चन है उनमें अप्लाई होता है. ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखो. नेक्स्ट इज हमारा ग्राफिकली कैसे हम ये चेक करते हैं, ठीक है, कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं. ग्राफिकली चेक करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. व्हाट? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. देखो मान लो रैंडमली कोई भी ग्राफ है, ठीक है, ऐसे है. आप फंक्शन अगर 1 1 है तो कहीं मर्जी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, आपका एक ही पॉइंट पे वो कट करेगा. लाइक यहां पे अगर मैं कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो अगर तो वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, दैट मींस कि फंक्शन इज 1 1. देखो बेसिक का मतलब है, मान लो ये x1 था, एक ही पॉइंट पे कट करे, दैट मींस कि x1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली एक ही आउटपुट या फिर y1 है. सिमिलरली यहां पे x2 है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आउटपुट y2 है, ये x3 है, ये x4 है. तो यहां पे मैं साफ देख सकता हूं कि x1 x2 x3 सबके कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरे पास एक डिफरेंट y मिल रहा है. सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल टेल यू दैट फंक्शन इज 1 1. दूसरा अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से कुछ इस तरीके का फंक्शन है, कुछ पैराबोलिक आपको दिख रहा है. अब यहां पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो दो पॉइंट पे कट कर रही है, दिस इज मेनी 1. क्लियरली ये जो कुछ y1 है ये आपका इस x1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली भी मिल रहा है और ये आपका x2 के कॉरेस्पॉन्डिंगली मिल रहा है. तो x1 और x2 के सेम आउटपुट है y1, therefore this is a many one mapping. ठीक है, so horizontal line test एक सिंपल सा टेस्ट है, right? And this last method जो कि हम सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, this is basically the calculus approach. ठीक है, मैं इसको calculus method बोल देता हूं. इसमें क्या होता है, हम फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करते हैं. ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इफ इट इज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो, जस्ट नोट डाउन दैट दिस इक्वालिटी कैन होल्ड और मे होल्ड फॉर दिस Discrete values of x. Equality आ सकती है but किसी instant के लिए या फिर किसी एक point पे equal to हुआ फिर positive हो गया या फिर positive से positive या फिर वापस negative से negative चला गया. ये नहीं कि आपका continuous set of values के लिए आपकी जो है equality आ गई, उस केस में वो 1 1 नहीं होता है. मैं आपको example के थ्रू समझाऊंगा. ठीक है, now अगर इसका एक और मतलब आपको बताया कि जब डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. और जब हमेशा डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो उस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, ये तो बस इसका मतलब है. बाकी स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है ये आप ग्राफ से ज्यादा अच्छे से दिखता है आपको. ठीक है, और जब आप ग्राफ देखोगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो फिर वो 1 1 कैसे, वो भी क्लियर नजर आ जाएगा.
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा एक फंक्शन है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है. अब जैसे कि हमने पिछले टेस्ट में देखा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में, आप चेक कर लो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करें तो कहीं मर्जी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो आपका एक ही पॉइंट पे कट करेगा आइदर, या फिर फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर सकता है उस केस में भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आपका गेट फंक्शन पास करेगा 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 तो अगेन आपका फंक्शन वन वन हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड ये इंक्रीज कर रहा है ये डिक्रीज कर रहा है, आगे फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपका फंक्शन कुछ इंक्रीज करा के डिक्रीज कराता हूं, ठीक है साफ. अब देखो ध्यान से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो दो पॉइंट पे कट कर गई, ग्राफिकल टेस्ट को अपना जो फंक्शन है वो फेल कर गया, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट वन वन और यू कैन से मैनी वन, ठीक है. तो ये जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर है ये पता कैसे चलते हैं, ये पता चलता है डेरिवेटिव से. डेरिवेटिव इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. अच्छा ये इक्वालिटी वाली जो बात बताई थी मैं वो आपको बता दूं, अगर एग्जांपल से करना चाहते हो तो एग्जांपल से कर दो या फिर ग्राफिकली. फॉर एग्जांपल हमारा कुछ फंक्शन है कुछ ऐसा, ये हमेशा पॉजिटिव था फिर एक इंस्टेंट के लिए या फिर एक वैल्यू के लिए जीरो हुआ और वापिस से पॉजिटिव हो गया, ठीक है. यहां पे जैसे बात करूं तो यहां पे x इक्वल कुछ भी x1 है, यहां पे अगर देखा जाए तो f डैश ऑफ x1 कितना है जीरो है, ठीक है. अब क्या था पहले पॉजिटिव था इंक्रीज कर रहा था फिर जीरो हुआ और वापस पॉजिटिव हो गया वापस इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऐसे इंस्टेंट या फिर एक डिस्क्रीट वैल्यू के लिए अगर डेरिवेटिव जीरो हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी मेरा ये फंक्शन वन वन ही है. बट ग्राफिकली अगर तो फंक्शन कुछ इंक्रीज कर रहा और ये एक कॉन्टिन्यूअस इंटरवल के लिए जीरो हो गया, ठीक है, और फिर वापस इंक्रीज कर गया, अब ये फंक्शन वन वन नहीं रहा, क्योंकि देखो यहां से देखा जाए तो ये x1 से लेके x2 तक पूरा इंटरवल में डेरिवेटिव जीरो है. ऊपर से ये भी दिख रहा है कि अगर ऐसे ही तो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है x1 से लेके x2 तक आपकी एक ही आउटपुट मिल रही है आपको कुछ y1, सो वन वन नहीं है, ठीक है. तो इस चीज का ध्यान रखना. एक और यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली कि डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव जो मैं कर रहा हूं ये तभी कौन से फंक्शन में, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस फंक्शन में. अगर आपका फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है तो भी ये टेस्ट आपका फेल हो जाएगा, या फिर आप कह लो उस केस में भी आपको थोड़ा और आगे जाके उसको अच्छे से एग्जामिन करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये चीज को भी ध्यान रखो कि दिस टेस्ट और दिस लास्ट मेथड इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और ये कब फेल हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन के वो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा था यहां पे, ठीक है, और यहां पे ये डिसकॉन्टिन्यूस होके ये आगे ऐसे भी इंक्रीज कर रहा है. अब ध्यान से अगर मैं ग्राफ देखूं तो ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है आपके पूरे आप कह लो कि अपने डोमेन में इंक्रीज ही कर रहा है, बट वन वन नहीं है. हॉरिजॉन्टल लाइन चेक ड्रॉ कर लो, ये यहां पे और यहां पे दो अलग अलग इनपुट पे मेरे को सेम आउटपुट मिल रही है, सो वन वन नहीं है. बस ये टेस्ट कब अप्लाई करना है, फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस, ठीक है. आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि वन वन फंक्शन होता क्या है, और जो तीन टेस्ट हमने अभी अभी डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया. अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं और इनको अप्लाई करके बताते हैं वन वन और ऑन टू पे, ठीक है. ओके हम बात कर रहे हैं वन वन फंक्शन की, और हमने अभी अभी देखा कि फंक्शन को वन वन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं और उसको कैसे हमें वन वन प्रूव करना है, ठीक है. कुछ एग्जांपल्स देते हैं और मैं बड़े ही छोटे से एग्जांपल शुरू कर रहा हूं. लेट्स से हमारा फंक्शन है y इक्वल टू सम टू एक्स प्लस वन, ठीक है. अपने पहले मेथड अप्लाई करते हैं. लेट्स से कि फॉर टू इनपुट्स एक्स वन और एक्स टू अगर आउटपुट को मैं सेम करने की कोशिश करता हूं इस केस में, जैसे कि यहां पे मेरे को क्या मिलता है, ये बन जाएगा टू ऑफ एक्स वन प्लस वन इक्वल टू टू ऑफ एक्स टू प्लस वन, वन वन कैंसिल हुआ फिर टू टू कैंसिल हुआ, क्लियरली आपको क्या मिल गया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, बट ठीक है. सो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू आउटपुट तभी इक्वल है जब इनपुट इक्वल है, या फिर कन्वर्स में मैं कह दू कि अगर ये दोनों डिफरेंट है तो फिर आउटपुट भी डिफरेंट होगी, ठीक है. कन्वर्स देखो कि अगर मैं कहता हूं कि x1 नॉट इक्वल टू x2, या फिर आप ये कह सकते हो कि आउटपुट डिफरेंट है f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ
x2, तो यहां से मुझे क्या मिलता है, 2 टाइम्स x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x2 प्लस 1, सेम चीज मेरे को क्या मिल रही है कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2, आउटपुट इक्वल कब नहीं है, जब इनपुट इक्वल नहीं है, सो दिस प्रूव्स दैट द फंक्शन इज 1 1। बाकी दूसरा मेथड जो हमने देखा था दैट इज ग्राफिकल मेथड, वो देखो ध्यान से, y इक्वल टू 2x प्लस 1, इसका ग्राफ कैसा है, एक लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन सो इट्स डिग्री 1 पॉलिनोमियल का, इसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, वेल x इज 0 हुई है y इक्वल टू 1 एंड 1y इज 0 हुई है -1/2, सो ये एक लाइन है जो 0,1 और -1/2,0 से पास कर रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है पॉजिटिव स्लोप वाली, तो आप देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहीं भी आपका फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पर कट नहीं करेगी, तो साफ दिख रहा है कि फंक्शन है क्या 1 1। थर्ड, हमने अगर कैलकुलस मेथड की बात करी थी तो उसमें क्या था, डेरिवेटिव टेस्ट था, तो इसकी डिफ्रेंशिएट कर लो, अगर मैं बात करूं एफ डैश एक्स की तो कितना मिलता है 2 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स की फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो ग्राफ से दिख ही रहा था, और कभी कभी ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर उस केस में हम ये कर लेते हैं, डेरिवेटिव को हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव करके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव कर लेते हैं, और ये बता देते हैं कि फंक्शन आपका 1 1 है, ठीक है। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे फंक्शन देख रखे हैं और पढ़ भी रखे हैं जो 1 1 है, अब उनको बस देखने की बात है, ठीक है, एक बार दोबारा। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो तुमने देख रखे हैं और 1 1 है, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है, ग्राफिकली देख लेते हैं, आपको पता है ग्राफिकली इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसा होता है, आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। सिमिलरली आपका फंक्शन होता है एलएन ऑफ एक्स, कैसा होता है, इस तरीके का, अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, सो अगेन इट इज 1 1। तो ये सारे आपके कौन से फंक्शन हैं, 1 2 1। एक मैनी वन के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, आप कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले सकते हो लाइक एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू, कुछ भी, आपको बताया कि इसका ग्राफ बनता कैसे है, क्वाड्रेटिक है तो एक पैराबोलिक कर्व बनेगा जिसकी कुछ वर्टेक्स होगी, आपको या डाउन दोनों केस में फिलहाल आप अपवर्ड बन रहे हैं, अगर ऐसा है तो आपको बताया कि सिमेट्रिकल होता है अपनी वर्टेक्स के अबाउट, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को तो हमेशा ही फेल करेगा, ठीक है। एल्जेब्रिकली बात करूं तो इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं, लेट से मैं ये कोशिश करता हूं कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तो यहां से मेरे को क्या मिलता है, एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ तो मेरे को दो वेक्टर बन गए, एक्स वन माइनस एक्स टू और एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो। अब या तो ये जीरो या तो ये जीरो, ये जीरो है तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू एक्स टू आ गया, बट ये भी तो जीरो हो सकता है, अगर ये जीरो होता है तो मेरे को क्या मिलता है, एक्स वन इक्वल टू सम माइनस ऑफ एक्स टू। अब क्लियरली वेन एक्स वन एक्स टू एक दूसरे के नेगेटिव है तो आउटपुट सेम मिल जाएगी, ठीक है, सो फंक्शन इज मैनी वन, तो इसको ना देखते हुए इस कंडीशन को भी अगर मैं अप्लाई करता हूं तो आउटपुट सेम आ जाती है। बाकी आपको दिख ही रहा था कि 1 का स्क्वायर कितना 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, यानी कि दो सेम इनपुट पे, दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आपको मिल रही है, सो फंक्शन इज मैनी वन, ठीक। एक और एग्जाम्पल लो, अच्छा यहां पे वो कैलकुलस मेथड या डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं तो फिर क्या होता, सो लास्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करता हूं, तो डीवाई बाय डीएक्स या फिर एफ डैश एक्स कितना आता आपका 2 ऑफ एक्स, साफ दिख रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, एट एक्स इक्वल टू 0 ये पॉजिटिव है, ठीक है, 0 के सॉरी 0 पे 0 है, 0 के आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, यानी कि इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, इसलिए फंक्शन आपका मैनी वन हो गया कैलकुलस मेथड से।
ये एग्जांपल हो, मान लो एफ एक्स आपका फंक्शन है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे फिलहाल मैं सिंपल सा ले रहा हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। चलो मान लो क्यूबिक का तो मैं ग्राफ नहीं पता, अभी तक शायद नहीं पढ़ रखा, वैसे इसका बहुत सिंपल सा होता है। तो हमारे पास बचता क्या है, पहला वाला मेथड उसको हम लाइटली लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा अप्लाई होता है, कैलकुलेशन थोड़ा वर्क ज्यादा है। फिर थर्ड जो मेथड है वो बेस्ट है अपने लिए यहाँ पे, सो हम कुछ नहीं करेंगे, अपना थर्ड मेथड अप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा एफ डैश एक्स कितना 3x2। अब एक्स का स्क्वायर है यानी कि फिर ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही है, जीरो पे जीरो हो जाएगा, अदरवाइज जीरो के आगे पीछे हमेशा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। वैसे एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास कर रहा है, दैट मींस कि फंक्शन इज 1:1। अब जरूरी नहीं है कि हर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका 1:1 होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल 1:1 भी होते हैं और मेनी 1 भी होते हैं, ठीक है। मैं आपको क्यूबिक में ही एक एग्जांपल ले लेता हूं जो कि मेनी 1 का है। फॉर एग्जांपल लेट से आई कंसीडर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है। अब अगेन मैं सिंपल ग्राफ तो नहीं ड्रॉ कर पाता, बट हमारे पास मेथड है कैलकुलस मेथड। सो एफ डैश एक्स कितना हो गया यहां पे 3x2 माइनस 3, आप देखो एक्स 3 कॉमन आया, फैक्टर बने x माइनस 1 x प्लस 1। अगर मैं इस पे साइन रूल अप्लाई करता हूं -1 + 1, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव है, यानी कि इंक्रीज करा डिक्रीज करा फिर से इंक्रीज करा, ठीक है। तो क्लियरली यहां से मुझे ये पता चलता है कि ये इंक्रीज भी कर रहा डिक्रीज भी कर रहा, बाकी ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, पॉलिनोमियल सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अगेन मेनी 1 फंक्शन। ऑलराइट, आई होप कि एग्जांपल जितने भी हमने छोटे छोटे लिए आपको एटलीस्ट 1:1 क्लियर हो गया कि 1:1 होता क्या है और इसको करना कैसे है, प्रूव कैसे करना है। हमारे पास 3 बेसिक मेथड्स हैं और तीनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपका वहां पे सूटेबल होगा हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। जल्दी से हम अपने नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं विच इज ऑन टू फंक्शन, एंड देन विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स, कंबाइंड प्रॉब्लम्स ऑन 1:1 एंड ऑन टू। ऑलराइट, सो क्लासिफिकेशन में जो सेकेंड फंक्शन है हमारा दैट इज ऑन टू फंक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड, ठीक है। सो अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू, सेड टू बी ऑन टू इफ फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग्स टू कैपिटल वाई देयर एग्जिस्ट ए एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। ध्यान देखो बेसिकली क्या लिखा होता है, जब मैपिंग कर रहे हैं एक्स से वाई में तो y के हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए x में, ठीक है। आप ये कह सकते हो जब मैपिंग करा रहा हूं तो y का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, y का भी अब हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए। एक फंक्शन होने के लिए x की तो कंडीशन है ही है कि x में जितने भी एलिमेंट है सबकी कोई ना कोई आउटपुट चाहिए, या फिर वो हर एक किसी ना किसी y से तो डेफिनेटली मैप करना ही चाहिए, बट उसको ऑन टू होने के लिए y का भी कोई भी एलिमेंट ना रह जाए, इसका हर एक एलिमेंट अपने बैक अगर बात करो तो एक्स से किसी ना किसी एलिमेंट से मैप होना चाहिए। आप मैपिंग से आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। लेट से यहां पे मेरे पास है x1 x2 x3 एंड हियर आई हैव y1 y2
वाई थ्री और एक एलिमेंट में वाई फोर ले लेता हूं, ठीक है। चलो यहां पे ये वाई वन को मैप कर रहा है, ठीक है, ये चलो वाई थ्री फोर को मैप कर रहा है और ये भी आपका वाई वन को मैप कर रहा है, ठीक है। अब देखा जाए तो ये फंक्शन तो है, बट इस केस में देखा ये जो वाई टू है और वाई थ्री है, ये दो एलिमेंट जो है रह गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू, बेसिकली ऑन टू नहीं है, सो इसको बोलेंगे इनटू मैपिंग। द फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड एज इनटू मैपिंग। अब ऑन टू होने के लिए कंडीशन क्या है, यहां पे मेरे पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर वाई वन वाई टू वाई थ्री ये इससे मैप कर रहा है, ये भी इससे मैप कर रहा है, ये इससे मैप कर रहा है और ये इससे मैप कर रहा है, ठीक है। सो इस तरह की कोई जो मैपिंग है, यहां पे आप देखोगे वाई सेट में तीनों एलिमेंट्स की एक कहीं ना कहीं कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। सो ये जरूरी नहीं है कि एक ही एग्जिस्ट करनी चाहिए, एटलीस्ट वन। जैसे कि यहां पे मैं वाई वन को देख रहा हूं तो वाई वन की दो प्री इमेज है, यहां पे एक एक्स वन और तीसरा दूसरा एक्स थ्री, तो ये हो सकता है कम से कम एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये कोई एलिमेंट आपका बिना मैपिंग के नहीं जाना चाहिए, हर एक किसी ना किसी मैप होना चाहिए। तो दिस मैपिंग इज कॉल्ड एज ऑन टू मैपिंग। आप देखो ध्यान से, अगर तो ये सारे के सारे मैप हो गए, दैट मीन्स की अब रेंज क्या बन रही है, वाई वन वाई टू वाई थ्री, ये पूरा का पूरा सेट क्या बन गया, रेंज यानी कि कोड में के इक्वल बन गया। सो बेसिकली हम एक फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए, ठीक है, हम इस कंडीशन का प्रूव करते हैं दैट फॉर ऑन टू द कंडीशन इज दैट रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू इट्स को डोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू इट्स को डोमेन। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट वी प्रूव व्हाइल प्रूविंग अ फंक्शन टू बी ऑन टू, ठीक है। एक और थोड़ी अलजेब्रिकल सी अप्रोच है, वो बोर्ड एग्जाम में अप्लाई होता है, तो मैं वहां पे आपको जब इनवर्स के साथ उसका क्वेश्चन करवाऊंगा तब बता दूंगा, बट कॉम्पिटिशन के लिए हम यही फॉलो करते हैं कि रेंज निकालते हो, रेंज अगर कोड में के इक्वल है तो फंक्शन आपका ऑन टू है, अदरवाइज फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, ठीक है। चलो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको समझते हैं। नाउ अब जब ऑन टू का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको डेफिनेटली आपको कोड में डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक फंक्शन लेता हूं, एफ सिंपल सा फंक्शन ले लेता हूं, ठीक है, एंड एफ इज फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, रियल टू रियल, और ये हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर और इसी के साथ में दूसरा ले लेता हूं एक्स क्यूब, ठीक है। जस्ट रेंज पे ध्यान देखो, दोनों पॉलीनोमियल्स है एक्स क्यूब डोमेन जो इनकी और रियल है ही है, बट अगर मैं इस पहले वाले की रेंज की बात करता हूं, एक्स क्यूब आपको अगर ग्राफिकली पता है तो पता है कि ये कुछ इस तरह का फंक्शन होता है, ठीक है। एक्स क्यूब है तो पॉजिटिव है, तो जीरो से लेके इंफिनिटी इसकी रेंज है, ठीक है। सो इसकी अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो वो कितनी है, आर प्लस सॉरी जीरो से इंफिनिटी, क्लियरली नॉट इक्वल्स टू आर। तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, दिस इज इनटू, दिस इज योर इनटू मैपिंग। ऑन द अदर हैंड इसमें क्यूबिक की बात करता हूं, ग्राफ हमने अभी थोड़ी देर पहले इसका ड्रॉ करा था, आपको पता है कि क्यूबिक कुछ ग्राफ इसका इस तरीके का बनता है, और वैसे भी एक ऑड डिग्री पॉलीनोमियल की रेंज क्या होती है, जब हमने पॉलीनोमियल्स पढ़ा था कहां बताया था कि एक ऑड डिग्री पॉलीनोमियल्स की जो रेंज होती है वो होती है ऑल रियल, रेंज क्या होती है ऑल रियल, यहां पे कोड में क्या है ऑल रियल, देयरफॉर दिस इज योर ऑन टू मैपिंग, दिस इज योर ऑन टू मैपिंग, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है, उसको ध्यान से समझो कि क्या करते हैं हम जनरल कभी कभी, जैसे मैं इसी एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो ये जो फंक्शन है, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पे कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम, अगेन मैं रियल टू रियल बात करूं, ठीक है, और यहां पे मैं आपको अगेन एस सिंपल सा फंक्शन जो दे रहा हूं वो है आपका साइन x, ठीक है। साइन की डोमेन ऑल रियल है, बट रेंज आपको पता है कि इसकी जो रेंज यानी कि ये आपका लाइक करता है कहां, माइनस वन से वन में, तो इस केस में ये कैपिटल आर या फिर अपनी कोड में इक्वल तो नहीं है, तो साइन अब मेरा
रियल टू रियल में अगर मैं बात करूं तो कैसी मैपिंग है, इनटू मैपिंग है। ठीक है, हम क्या करते हैं एक फंक्शन को, अब साइन की अगर मैं वन वन होने की बात करूं तो फंक्शन कैसे है, पीरियोडिक फंक्शन है, रियल से जीरो पे भी जीरो, पाई पे भी जीरो, पूरे एन पाई पे जीरो, तो ये और इनटू के साथ साथ मैनी वन भी है। ठीक है, मैं बस क्या करना दिखाना चाह रहा हूं कि समटाइम्स जरूरत पड़ती है और ये आगे पड़ेगी भी, हम क्या करते हैं इसको एक बार रीडिफाइन करते हैं, इसकी डोमेन और कोडोमेन को थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एक काम करता हूं, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दू, डोमेन को छोटा कर दू, फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं इसकी डोमेन कर दू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ठीक है, और इसकी जो कोडोमेन है वो भी मैं क्या कर देता हूं माइनस वन से वन। अब साइन का ग्राफ बना लेते जल्दी से, आपको पता है कि साइन कैसा फंक्शन होता है। ठीक है, दिस इज पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, ये आगे और पीछे भी डिफाइन था पर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, ये माइनस वन और ये प्लस वन। ठीक है, नाउ इन दिस इंटरवल और इस डोमेन और इस कोडोमेन में बात कर रहा हूं, फंक्शन एक तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो ये कैसा है, वन वन हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दूसरा, रेंज तो साइन की होती है माइनस वन से वन, तो रेंज भी उसके इक्वल आ गई कोडोमेन के इक्वल, सो ये मेरा वन वन और टू दोनों हो गए। ठीक है, सो बेसिकली हम फंक्शन को वन वन या ऑन टू बना सकते हैं उनकी डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके अपने कंफर्ट पे जाके। ठीक है, ये अब इस केस में क्या हो गया, जब फंक्शन वन वन और ऑन टू हो जाता है तो हमने बात करी थी कि फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है या कि वो बाइजेक्टिव होता है, और आगे जब हम साइन का इनवर्स डिफाइन करेंगे जो कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उसमें हम सेम काम को एक बार करेंगे। ठीक है, मैंने यहां से करके बता दिया, एंड और भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो भी रिक्वायरमेंट है वी कैन डू सच थिंग्स कि उसको वन वन ऑन टू बनाने के लिए ये जो काम हमने किया है डोमेन और कोडोमेन को अपने अकॉर्डिंगली रिस्ट्रिक्ट छोटा कर ले या फिर जरूरत पड़े तो बढ़ा ले। ठीक है, सो दिस इज ए पॉसिबल थिंग दैट वी कैन डू। चलो, आई होप कि वन वन ऑन टू दोनों में क्लियर हो गए, बस ऑन टू की एक ही बेसिक कंडीशन है कि कोडोमेन और रेंज हमारी इक्वल आती है। अब कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं, इनको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक,